दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भर वक्त आपको मिलता रहे। जब किस्मत मेहरबान होती है तो रास्ते कैसे निकलते हैं। वापदा की टीम एक ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही थी। वहां दूसरी मंजिल की तामीर हो रही थी। वापदा टीम के कोच ने देखा कि एक मजदूर जमीन से 20 फीट ऊपर ईंटें फेंक रहा है। वो मुसलसल 8 घंटे यही करता रहा। कोच ने इस मजदूर को नेजाबाजी की ट्रेनिंग देना शुरू की। आज इस मजदूर ने नेजा 90.18 मीटर दूर फेंक कर कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। वो 2 जनवरी 1997 को खानेवाल में पैदा हुए। वो अपने खानदान के साथ मियां चन्नू में रिहाइश पजीर हैं। अरशद पाकिस्तान का एक नौजवान खिलाड़ी है जो अब तक के कई मैच खेल चुका है और मुख्तलिफ तमगे जीत चुका है। वो अपने स्कूल के जमाने से ही खेलों में मसरूफ है। इस वक्त इन्हें क्रिकेट का जुनून था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो नेजाबाज बन गए। इन्होंने बैनर अक्वामी सतह पर मुख्तलिफ मैचों में मुतअद्दद रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में वो वाहिद पाकिस्तानी थे जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर फाइनल में क्वालिफाई किया। वो एक मेहनती और पुरजोश खिलाड़ी हैं। इसके 4 बहन भाई हैं, लेकिन कोई भी इस जैसा एथलेटिक खिलाड़ी नहीं है। 7 अगस्त 2022 को अरशद ने बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर तमाम पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया। पहले राउंड में इसने शानदार तरीके से 86.81 मीटर के फासले पर जैवलिन फेंका और दूसरे राउंड में इसने 88 मीटर के फासले पर फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5वीं कोशिश में इसने 90.18 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा समेत तमाम हैरत अंगेज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने इस्लामी खेलों में भी गोल्ड मेडल जीत की ख्वाहिश जाहिर की।